गुलबर्गा शहर के अतर कंपाउंड में मौजूद मस्जिद सादात कमेटी की जानिब से हज से वापस आए तमाम हुजाज इकराम और डेपुटी तहसीलदार के अहदे से रिटायर होने पर निसार अहमद वजीर साहब को तहनियत पेश कर मुबारकबाद देते हुए तमाम हुजाज इकराम के हज और निसार अहमद वजीर के खिदमात को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की गई है। इस साल असगर चुलबुल, अब्दुल सत्तार आलंद, अमजद भंडारी, सैयद हिमायत अली, रफीक अहमद, इलियास अहमद, शकावत हुसैन और अब्दुल जब्बार गफूरिया ड्रेसेस, इन तमाम लोगों को हज मुकम्मल करने पर गुलपोशी और शालपोशी की गई है और निसार अहमद वजीर जो डेपुटी तहसीलदार के हैसियत से शहर में अपने खिदमत अंजाम दिए हैं, इनके रिटायरमेंट पर इनके खिदमत को याद कर इन्हें भी तहनियत पेश की गई है। इस तहनियती प्रोग्राम के मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से अजीजुल्ला सरमद, सैयद जफर हुसैन, एडवोकेट जब्बार गोला, कॉरपोरेटर लियाकत पटेल, शफी पटेल, अब्दुल खदीर चोंगे, कॉरपोरेटर आलमदार जैदी, एक्स चेयरमैन नासिर मौलाना, मौलाना शकील, हाजी तकी, जफर अली, अनवर पाशा और दीगर हजरात यहाँ मौजूद थे। इन तमाम लोगों के हाथों सभी हुज्जाज इकराम और निसार अहमद वजीर को तहनियत पेश की गई है। इस मौके पर असगर चुलबुल के अलावा दीगर मेहमानों ने निसार अहमद वजीर के डेपुटी तहसीलदार की हैसियत से किए गए कारनामों को याद कर उन्हें मुबारकबाद पेश की है और तमाम हुज्जाज इकराम ने इस तहनियती प्रोग्राम के लिए मस्जिद कमेटी के सदर जाहिद हुसैन, शादाब मलिक, शाहबुद्दीन और इदरीस कुरैशी के अलावा तमाम मस्जिद कमेटी के मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया है। इस तहनियती प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर, एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स, शेरवानीज, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन, मैरिज, एंगेजमेंट, एथनिक वेयर्स, पार्टीज, फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा। और तहसीलदार के हैसियत से रिटायर होने वाले जनाब सैयद निसार अहमद वजीर को तहनियत पेश करने के लिए ये तकरीब मुनद की गई है। कार्रवाई का आगाज मुख्तसर शी तरफ इकाम पाक से करना चाहूंगा और बिल्लाही मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उन अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जनाब सैयद निसार अहमद वजीर साहब को, सैयद निसार अहमद साहब डिप्टी तहसीलदार, इस मस्जिद के हम सबों के साथ राय मशवरे के साथ हमेशा काम करते रहे और मस्जिद में जो है ना पाबंदी से नमाज पढ़ाते रहे और उनके राय मशवरे से आज मस्जिद की तरक्की हुई है और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें और भी जो है ना तरक्की दे और सही काम करने की हिम्मत अदा करे। और दूसरी बात यह है कि आपने हमेशा राय मशवरा दिया कि किस तरीके से हम लोग को काम करना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों के साथ जो है ना कैसा सलूक करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, सही रास्ते पर चलना ही जो है ना हमारे लिए एक वाहिद रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे कि हम सब जो है ना इस मस्जिद को आबाद करें और हम सब जो है ना हम सबको अल्लाह ताला और तमाम हाजियों को भी जो है ना हज कर किए कबूल करें और उनके सफ़र को आसान करें, उनको सेहत तंदुरुस्ती रखें और अल्लाह ताला हम सबको हज करना नसीब फरमाए। ये अल्लाह ताला से हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हमेशा इस मस्जिद को आबाद करे, हम सबको पंज वक्त नमाज का पाबंद बनाए, हम सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए उसूल और तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता करे। और मैं निसार अहमद साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आइंदा भी जो है ना वो हमारे साथ रहेंगे और हमारी इस मस्जिद को जो है ना हमेशा कामयाब करने की कोशिश करेंगे, हमारे जो भी मसाइल है उसको मिलजुल कर जो है ना एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की हमारी दावत को कबूल किया और हमारे कमेटी की जानिब से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाजी लोग भी जो है ना अपने वक्त को देते हुए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। मैं उन सब का जो है ना दिली मुबारकबाद देता हूँ। आज बाद नमाज जुमा मस्जिद अतर कंपाउंड की इंतजामी कमेटी की जानिब से बिलखसूस जो सदर सेक्रेटरी है, पेश इमाम है और जनाब जाहिद हुसैन साहब और नौजवानों में हमारे दोस्त शादाब मलिक साहब, अलमदार जैदी और अहलान महिला के नौजवान की जानिब से हुज्जाज इकराम की खिदमत में एक तैनाती तकरीब मुनक़िद की गई थी और साथ ही साथ जनाब सैयद निसार अहमद वजीर जो तहसीलदार के अहदे से हाल ही में सुबुकदोश हुए हैं उनकी भी तैनात यहाँ पर रखी गई थी। मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुबहान व तआला मस्जिद हाजा की जो खिदमात हैं
उन खिदमात को कबूल व मकबूल फरमाए। साथ ही साथ मैं ख़ासकर उन नौजवानों से और उन अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके हज की अदायगी उमरा हो जो भी हो फरमा लें, क्योंकि आने वाले हालात आप देख रहे हैं किस तरीके से बद से बदतर हो रहे हैं। और जो जो भी लोग नियत किए हैं, इरादा किए हैं और ख्वाहिश किए हैं हज और उमरा करने की, सादात हासिल करने की इरादा रखे हैं, उनसे मैं अल्लाह ताला से दुआ गुम हूँ कि अल्लाह ताला उनकी नियत को इरादे को जल्द से जल्द कबूल फरमाए, उनको भी मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ की ज़ियारत का शर्फ हासिल हो। और तमाम जो अज़ इकराम जो इस साल हज किए हैं, अल्लाह सुभान अल्लाह उनके हज को हज मकबूल की जजा अता फरमाए। यहाँ पर जनाब सैयद निसार अहमद वज़ीर जो तहसीलदार ग्रेड टू के हिस्से से अपने खिदमात अंजाम दिए हैं, उनको भी यहाँ पर तैनात पेश की गई। जनाब सैयद निसार अहमद वज़ीर साहब से मेरे भी बहुत पुराने रवाबित हैं, वो एक अच्छे मुखलिस और एक हमदर्द इंसान हैं, और हर एक की उन्होंने यहाँ पर गुलबर्गे में जो कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, ओल्ड एज पेंशन हो, जो भी ज़रूरियात की चीज़ें जो तहसील ऑफिस में होती थी उनको वहाँ पर उन्हें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मदद की है। सबसे बढ़कर मैं यही कहूँगा कि जो 1998 में जो गोविंद गौड़ा जो जनरल गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, 1 लाख असातिज़ा इकराम की जायदादें यहाँ पर खुली थी, तो उस दौरान सैयद निसार अहमद वज़ीर और हमने कई एक जो ओल्ड एज थे, टीचर्स थे, जो नौकरियों से महरूम थे, उनको कास्ट सर्टिफिकेट दे करके जो अलग-अलग ज़िवरे में जो कैटेगरीज आते हैं उनको हमने कास्ट सर्टिफिकेट दी, फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से वैलिडिटी सर्टिफिकेट उनको निकाल कर देकर कई एक लोगों को हमने टीचर्स की नौकरी में जो इंतखाब होने के लिए हमने मदद की। साथ ही साथ इंजीनियर डॉक्टर्स के लिए भी कई एक सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हिरासा किया जाता था, तो उस मौके पर वो तहसील ऑफिस में और हम BCM ऑफिस में दोनों मिलकर के कई डॉक्टर इंजीनियर्स को हमने सीट हासिल करने के लिए मदद की है। और कई एक उनके खिदमात हैं जो शहर गुलबर्गा में, ना सिर्फ शहर गुलबर्गा, अतराफ देहात और अकनाफ में भी उन्होंने खिदमत दी है। और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत मशक्क़त की और कई एक दुश्वारियाँ का सामना किया, कई एक चैलेंजेस उनके सामने थे, कई एक लोग, एक मुखालिफ बड़ा ग्रोह उनके पीछे लगा हुआ था, उसके बावजूद वो तमाम तर साजिशों को बिल्कुल सब्र और तहम्मुल के साथ सब्र करते हुए आगे बढ़े, जिसका नतीजा है कि वो तहसीलदार बने और बिल्कुल अच्छे अहदे से फायज हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमात को कबूल फरमाए और आगे भी मिल्लत के साथ जुड़े रहें। मिल्ली मसाइल जो भी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे साथ आगे जुड़ करके काम करेंगे। इंतज़ामी कमेटी मस्जिद सादात का बड़ा ममनून मशहूर हूँ। इसी के साथ साथ मैं आप सबके सामने अलहाज सैयद निसार अहमद साहब वज़ीर, जो बड़े खुश मिजाज, मिलनसार और बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, कौम सलात के मुकम्मल पासदारी और मन के बारे में आप तमाम को मालूम ही है, बल्कि गुलबर्गा शहर के तमाम अवाम उनसे बखूबी वाकिफ़ है कि कितने ही खुश उसलूबी के साथ बहुत सी बेवाओं को आपने पेंशन का जो स्कीम होती है आपने बुला बुला कर दिलाया है। आखिरी दिन तक भी आपने बड़े शौक़ के साथ, जज्बे के साथ, दयानतदारी के साथ, यानि आपके रात की नींद को आपने जगा कर शब बेदारी करके भी आपने इस मोहल्ले के कई ऐसे ख़वातीन जो बेवाएँ थी उनको मालूम ही नहीं था कि पेंशन क्या है, उनका जो है विडो जो बेवाएँ का जो पेंशन मिलता है मंथली, वो बहुत सी ख़वातीन को यहाँ के मालूम नहीं था। तो आपने जैसा ही आप उस मनसब पर फाइज हुए, जैसा कि मैंने बयान भी कहा कि आपने जिसका हक़ था आपने बखूबी उसको आखिरी दिन तक, हमारी ये बदनसीबी है कि आपको चंद अयाम चंद साल ही मिले और कई पेचीदगियाँ आपकी सर्विस में आई, अल्लाह ने आपको बड़ा जो है सब्र और तहम्मुल से आपने मुजाहरा किया, बल्कि आखिरी दिन तक भी आपको जो है बहुत सी जो है नापाक साजिशों के तहत आपको बदनाम करने की कोशिशें भी की गई। इसलिए कि मैं और एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जिस एरिया से और जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ, वो एरिया जो है बहुत ही एक
बैकवर्ड एरिया है, तारफेल एरिया, वहाँ पर आप जो है वैसे एरिया में आप जो है एक मदरसा स्कूल चलाते हैं, इस दुनियावी तालीम के साथ साथ उखरवी तालीम का भी आपने बेहतरीन तौर पर आपने इंतज़ाम फरमाया है। आइम्मा मुजरीन के कई बच्चों को आप जो है फ्री में मुफ्त में तालीम देते हैं, और मैं भी चाहे दुनियावी मशवरे हों या दीनी तरीक़े से जो मालूम हों आप जो है गाये बगाहे हमको जो है आगाह करते हैं। और इस मस्जिद के अंदर कई ऐसी पेचीदगियाँ थी और यहाँ के रहने वालों के लिए बड़ी बड़ी पेचीदगियाँ आई, तो आपने बड़ी यहाँ से बेंगलोर का सफ़र तय करके हमारे मस्जिद के सदर साहब, यहाँ के इंतज़ामी कमेटी के लोग, मेम्बरान और बहुत से लोगों ने बड़े बड़े पेचीदगियों के बड़े जो है उसलूबी के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ उसका मुजाहरा करते हुए उन चीज़ों को दूर किया है। हम जो है दूसरों के बहका में ना आए, और आपसे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके जो है खिदमत जलीला को कबूल फरमाए, और आपको जो है आपकी उम्र जो है लंबी करे, आपकी उम्र दराज करे, और आप जो है इसी तरह हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप हमारा साथ दें, और हमको जो है इसकी जो है सही तरीक़े की हमको जो है बताने की और सही तरीक़े पर चलने की हम तमाम को और यहाँ के मुसल्लियों को और खुसूसन इस एरिया में रहने वाले लोगों को आपने बड़े अच्छे तरीक़े से दीनी मालूमात से नवाजा है। और नमाज का तरीक़ा क्या है, फजर में बज़ाबता आप सफ़र की थकान को महसूस करते हुए आप जो है तो यहाँ पे बजामात फजर की नमाज़ को अदा करते हैं, बड़े कौम सलात के पाबंद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस खिदमत जलीला को कबूल फरमाए, और मैं तमाम हुज्जाज किराम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप जो है हमारी सी अदना सी मस्जिद और यहाँ की कमेटी के लोगों को अपनी मुस्तजाब दुआओं में याद रखें, अपनी जो है रात की शब बेदारी में आप हमारी मस्जिद को और यहाँ की तरक्की के जो काम ठप पड़े हुए हैं उसके लिए भी दुआ करें, और तमाम जितने भी हाजरीन हैं उनका भी जो है हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो इंतज़ाम किए हैं जनाब शादाब मलिक साहब का भी हम जो है इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जो जज़ाए खैर अता फरमाएँ और दुनिया व आखिरत में आपको तरक्यात से नवाजें। आमीन। This video presented by Fine Art Designer, exclusive for suits, sherwanis, a complete solution for men's kids for reception, marriage, engagement, ethnic wears, parties, farewell and much more. First branch at Timapuri Chowk, Gulbarga. Second branch at Supermarket Gulbarga.